देखिए वहां पे कितने सार्थक फैंस हैं जो बाहर सब हैं, तो वो किसी रीजन की वजह से होंगे, एंड आई एम श्योर ये कल नहीं लव आज है. No, listen, I must say that, you know, whenever I hear this Sarthik Sarthik thing, I just have to say ki aap sahi bol rahe ho. Mujhe nahi lagta ki kisi film ko dekhne se pehle kisi bhi jodi ko itna pyar mila hai. So I am genuinely more than anything just grateful to the audiences for giving us so much love and accepting us as a pair even before seeing us on screen. And I can only hope ki jab aap hum logon ko screen par dekhoge, तो आप लोगों को सार्थिक से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा और वीर और जोई से प्यार हो जाएगा, बिकॉज दैट इज रियली व्हाट इट्स अबाउट. सारा जी एंड कार्तिक इम्तियाज सर. हाय सारा जी. इम्तियाज सर, दिस इज केयूल फ्रॉम सिनेस्टान.com. जी पंगे करवा के मानेंगे संजय जी आज हैं. आज शादी कर उसको पेट्रोल पीने का दिल करता है. हेलो इम्तियाज सर. सारा जी एंड कार्तिक जी आपके लेफ्ट में. हाय जी सर. जी ऐसे इस बार वैलेंटाइन डे के मौके पर आप लोग क्या करने वाले हैं, अगर आप हमें कुछ बता सके. सवाल है आप लोग क्या करने वाले हैं. नवाज कल देखने वाले. कार्तिक जी जी ये देखना है लव आज कल देखना है. वैलेंटाइन डे के दिन और क्या करना है. कार्तिक जी आप क्या करने वाले हैं इस बार. नहीं आएंगे. इनसे क्या पूछ रहे हो ऐसे. अच्छा नहीं आओगे साथ में. और नहीं तो क्या. हम दोनों डेट पे जाएंगे. हमारी पिक्चर है. कि और किसके साथ चले जाओगे. हद है यार. नहीं 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 हम दोनों मूवी देखने जाएंगे उस रात को. और ये देखिए आपको रिएक्शन मिल गया. हम दोनों लव आजकल देखेंगे उस रात को. इट्स अ डेट नाइट. 14th February या 13th February दोनों रात को हम सेम मूवी देखेंगे. एंड इम्तियाज जी एंड दिनेश जी आप लोगों से सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं बहुत ही जल्द दोस्ती होती है, बहुत जल्द लव हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है. सो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप. आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ हो. मगर जो आप पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब ये है कि परिभाषा बदलती रहती है. मुझे लगता है कि the relationship as it happens now is very different from how it used to happen in the past. And matlab pyar ki paribhasha badalti rehti hai yaar waqt ke sath sath. Aur usi wajah se love aajkal jo hai na wo bar bar khayal mein aati hai ki aaj ki love aajkal kya ho sakti hai, ki kal ki kya ho sakti hai, that kind of thing. So ha cheeze bahut fast moving ho gayi hain. Magar jo जिस वजह से एक लड़का और एक लड़की साथ आते हैं वो कारण नहीं बदला है. तो आप हिम्मत मत हारिए. इम्तियाज सर बिल्कुल सर. इम्तियाज सर मैं भी आपके लिए सेम विश करता हूँ सर. इम्तियाज सर हाय. यहाँ आपके सामने. हाय दिस इज केयूल फ्रॉम सिनेस्टान.com. सर मेरे आपके लिए दो सवाल है. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एवरी लव आजकल फिल्म विल बी मॉन्यूमेंटल, तो क्या इसका ये मतलब है कि आगे भी आप इसी सीरीज में फिल्म्स बनाएंगे. well, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कहानी है ना ये एक बहुत फ्रेंचाइजेबल आइडिया है. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक ही टाइटल की दो बार फिल्में मैंने बनाई है. इस वजह से बनाई है कि 10 साल बाद मुझे लगा कि जिस बेसिस पे मैंने पहली फिल्म बनाई थी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, नया हो. और कल जिस तरह से जो रिलेशनशिप का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल बदल चुका है. कुछ नई बात आ चुकी है जिसमें एक नई कहानी है. तो वो हम शायद कहने की कोशिश करेंगे फिर से. तो ऐसा हो सकता है कि आगे फिर से बनाएं. ओके सर, इस फिल्म में आप एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च कर रहे हैं आदुषी शर्मा, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे. कैसे उनकी कास्टिंग हुई और कौन सा आपने उनका काम देखा इसके पहले. आरुषि के साथ मैंने बहुत पहले, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दफ़ा वो खुद सामने आ जाए ना, तब उनकी उपस्थिति में ये सवाल का जवाब मैं अगर दूंगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा. बट मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को नोट किया और उम्मीद है कि वो आपको और सबको सारी जनता को बहुत पसंद आएंगी.
योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कार्तिक और सारा दोनों से पहले सारा से पूछ लेता हूँ. सारा, सबसे पहले आपने केदारनाथ से अपना डेब्यू किया, उस वक्त काफी चर्चे थी कि सैफ अली खान की बेटी डेब्यू कर रही है, बट सिम्बा के बाद अपने ऊपर से आपने ये टैग हटवा लिया है, आप इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुकी हैं, तो कितना मुश्किल था खुद को इतना बड़ा ब्रांड बनाना आपके लिए? सर ऑनेस्टली मैं अभी भी सैफ अली खान की बच्ची हूँ और वो नहीं बदला. और ये टैग ऐसा टैग है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, तो अगर वो रहे भी तो ठीक है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है. और उम्मीद है कि मुझे मौके दिए जाएंगे जहां मैं ये साबित कर पाऊं और कर सकूं, और उतना ही है. कार्तिक, आपसे ये सवाल था. जी सर. एक टाइम था जब रणवीर सिंह ने के इवेंट में आपको सारा अली खान से दोस्ती करवाई थी हैंडशेक करवा के, और एक आज टाइम है जब आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि फिल्म तक आ गई और फिल्म में भी दिख रही है बॉन्डिंग, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? एक बार और बोलो, एक बार और अच्छे से बोलो, एक बार और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है, फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है, तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी? कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का दोस्ती जो करवाई थी रणवीर सिंह ने आपकी? हमारी बॉन्डिंग का. हाँ, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत. रणवीर सिंह को कितना क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उन्होंने दोस्ती करवाई थी आपके? बहुत अच्छे से दोस्ती करवाई थी इनफैक्ट. और रणवीर जैसे जिस तरीके से हैं, बहुत खुले खुले से हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को वहाँ पे मिलवाया था, हम लोगों के बहुत मीम्स बने थे साथ में. And I really, really am glad that Ranveer ने हम दोनों की जोड़ी बनाई, हम दोनों को मिलवाया, and then हम लोग यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं यहाँ पे. तो I think सर मैं इसमें, मैं हमेशा अटक जाता हूँ सर ऐसे सवालों में, क्योंकि मेरे को पता नहीं कहाँ तक जाऊँ मैं. आप ऐसा समझ लीजिए कि जो कुछ भी है ना सब रणवीर की वजह. हाँ, जो कुछ भी है सब. हाँ.